विद इन uh, 30 मिनट्स कवर करने का ट्राई करेंगे ओके सो विदाउट फर्दर डिले फर्स्ट आज हम बात करेंगे अक्टूबर 2019 के बारे में सो so, अक्टूबर 2019 के बाद हम धीरे-धीरे आगे चलते जाएंगे अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर और अप टू दी 2020 सितंबर 2020 तक हम कवर करेंगे 15th सितंबर 2020 तक ओके सो फर्दर एनी डिले लेट्स जंप इनटू आवर बिजनेस सो हमारा सबसे पहला न्यूज़ है

रिलीज रिपोर्ट ऑन कार्बन एंड इन इट्स एमिशन एंड अवेलेबिलिटी इन करंट एटमोस्फिर एंड एज वेल एज इन लैंड तो ये क्या कहता है कि स्टडी ने ऐसा दिखाया है कि ओनली फ्यू परसेंट ओनली फ्यू परसेंट ऑफ द प्लैनेट कार्बन इज फाउंड अबोव दर्फेस एंड मोस्ट ऑफ इज इट्स ट्रेप्ड इन साइड द्रस्ट एंड मेंटल तो ये कितना है तो इट इज अराउंड वन पॉइंट गीगा टन 1.85 गीगाटन्स जितना हमारी सरफेस के अंदर मतलब क्रस्ट एंड मेंटल में अभी भी अनडिस्टर्बड uh, सेव्ड है एंड दिस इज मोस्टली डिस्टर्बड बाय ह्यूमन एक्टिविटी विच इज वेरी रियली कंसर्निंग थिंग सो इसके रिगार्डिंग जो हमें एक बॉडी के बारे में पढ़ना है दैट इज अ डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी दिस इज अ कम्युनिटी व्हिच कंसिस्ट मोर देन 1000 साइंटिस्ट अक्रॉस द और इसमें इंडियन साइंटिस्ट भी है एंड इट से जो भी इम्पैक्ट है वो नेचुरल साइकिल से हंड्रेड टाइम्स ज्यादा है नेचुरल साइकिल जो कार्बन रिलीज करती है सर्फेस से एनवायरमेंट में या तो फिर वो एब्सॉर्ब करती है एनवायरमेंट से सरफेस से तो ये विच इज एक्सेलरेटेड बाई हंड्रेड टाइम्स विच इज रियली कंसर्निंग थिंग तो अब हमें आगे कैसे बढ़ना है हाउ टू कंट्रोल द कार्बन हाउ टू यूटीलाइज द कार्बन दैट विल ऑल द गवर्नमेंट एज वेल एज साइंटिस्ट फाइन and next thing concerning is why we have to study the carbon of the earth why? because it is a chemical backbone of all essential organic molecules produced by living organisms like human like animal like reptiles like anything so and as well as we all are searching for energy everybody is uh, fighting for the energy right so that is why and mostly if you can see coal the fossil fuel the kligie hoga it must it must be right now it must be कार्बन बेस्ड एंड राइट नाउ वी आर सर्चिंग फॉर दी अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज बट जो भी हमारे पास अभी है उसके बारे में स्टडी करना जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड क्लाइमेट चेंज एवरीबडीज टॉकिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग सो दैट इज वाई कार्बन के प्रेजेंस को चेक करना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है एंड वन थिंग टू रिमेम्बर ये पॉल्यूटेंट नहीं है बट ये ग्रीन हाउस गैस है ग्रीन हाउस गैस और पॉल्यूटेंट के बीच में क्या डिफरेंस है ओके okay. सो so उसके बाद हमारा थर्ड करंट अफेयर आता है e Clinic. तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हम जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया में बहुत ही हो रहा है वाई इंडिया में बहुत ही ज्यादा हो रहा है बिकॉज इंडिया इज बिकमिंग आई टी हब तो आई टी के साथ साथ जितना भी वेस्ट क्रिएट होगा दैट वुड बी रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल दिस वेस्ट और इसको हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट

प्रॉब्लम कहां पे आ रही है डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट तो डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट विल बी द मेन वर्क ऑफ ई वेस्ट क्लिनिक एंड इट इज अ काइंड ऑफ अ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्लिनिक व्हिच इज सेट अप इन मध्य प्रदेश इन द सिटी ऑफ भोपाल सो यू माइट रिमेम्बर दिस थिंग और ये चीज हम मेंस के आंसर राइटिंग में एग्जांपल के तौर में लिख सकते हैं जब जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए तब because solid waste management is becoming a headache for any uh, government authority that is why okay so fourth fourth is about edge computing the news says according to the research by 2025 company will generate and process more than 75 percent of its own resources outside the traditional processing uh, space तो ये ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग स्पेस क्या है तो कोई कंपनी सेटअप कर ली है हमने ओके okay. तो कंपनी में हम एक कंप्यूटिंग रूम बनाएंगे जहां पे हमारा पूरा डेटा स्टोर होगा वहां से प्रोसेस होगा वहां पे डेटा का गिव एंड टेक होता रहेगा बट दिस टाइम ये क्या कर रहा है हम एज कंप्यूटिंग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो एज कंप्यूटिंग डो नॉट कंफ्यूज विद विद्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड में क्या हो रहा है कि क्लाउड में कंपनी यहाँ पे है ग्राउंड बेस्ड और क्लाउड में कहीं पे उसका डेटा पूरा सेव हो रहा है तो यहाँ से डेटा जा रहा है स्टोर हो रहा है और जब जब जरूरत पड़ रही है तो डेटा वापस आ रहा है और प्रोसेस करके उसको इस्तेमाल किया जा रहा है बट इन एज कंप्यूटिंग हाउ इट इज डिफरेंट तो इन एज कंप्यूटिंग देखिए द डेटा इज एनाइज एंड स्टोर्ड लोकली क्लोजर टू वेरेवर द स्टोरेज इज तो क्लोजर टू स्टोरेज इन द सेंस एज मतलब क्या किनार तो क्या होगा कि कंपनी का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसके बाहर थोड़े दूर कहीं पे कुछ एक बहुत ही सॉलिड सिक्योरिटी के साथ एक प्रोसेसिंग यूनिट हम इस्टिश करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि जो हमारा क्लाउड के टाइम पे क्या होता है कि क्लाउड में हमें भेजना पड़ता है और क्लाउड से वापस डाउनलोड करना पड़ता है तो इसमें लेटेंसी रेट बढ़ जाता है लेटेंसी मतलब क्या तो टाइम ऑफ डिलीवरी एंड रिसीविंग तो ये जो बीच का जो तो टाइम है उसको रिड्यूस करने की बात है बिकॉज इज फास्टर स्मार्टर एंड स्ट्रॉन्गर तो फिर फास्टर बनने के लिए हमें टाइम को कम करना पड़ेगा दैट इज सी द बेनिफिट इज इट नीड टू सेंड ओवर नेटवर्क फाइन तो जब नेटवर्क के ऊपर सेंड नहीं करना पड़ेगा तो हमें नेटवर्क की अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा दैट इज दी मेन इम्पोर्टेंस तो हम लोकली पूरा इसको परफॉर्म करेंगे अब इसमें एक चैलेंजेस है फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ डिवाइस जैसे कि आप पूरा पूरा आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे आप बचाओगे इट कैन बी नेचुरल कैटास्ट ऑफ इट कैन बी मैन मेड कैटास्टर ऑफ कोई ने आके कोई आपके राइवल होंगे राइवल ने आके वहां पर अटैक कर दिया आस पास में कोई और चीजें हो गई तो हाउ विल यू सिक्योर योर डिवाइस दैट वुड बी अ चैलेंज अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी हमारी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट पूरे कंट्री में कहीं पे भी आ गई तो ऐसा नहीं होगा कि कंपनी का डेटा चला जाएगा क्योंकि कंपनी का डेटा एक सिंगल इंसिडेंट से चला नहीं जाएगा सॉरी फार फ्रॉम दी कंपनी तो फिर क्या होगा कि वहां पे मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस होंगे क्लाउड जैसा नहीं कि एक ही सैटेलाइट में सारी कोई सॉरी एक ही डिवाइस uh, में या तो फिर एक ही uh, 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 इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरी चीजें आपकी सेव हो रही है बट यहाँ पे क्या होगा कि मल्टीपल डिवाइस होंगे जो इसको स्टोर करेंगे तो एक डिस्ट्रॉय हो गया तो बाकी सारी डाटा आपके पास बच के ही रहेगी दैट इज वाई इट हैज बिकम मोर एंड मोर मोर एंड मोर रिलायंट और मोर एंड मोर फिजिबल फॉर एनी नेक्स्ट नेक्स्ट कंपनी ओके सो दैट इज द मेन थिंग तो कोई भी इवेंट होगी उससे आपका डेटा यहाँ पे बच जाएगा तो चंद्रयान जब हमारा यहाँ से लॉन्च हुआ तो चंद्रयान इट हैज गोन थ्रू दियोटेल फेज अब जियोटेल इज अ काइंड ऑफ अ एरिया अब जियोटेल एरिया क्या होता है इट इज अ रीजन in a space that allow best observation kyun best observation we will talk about it ki yahan pe kya cheez nahi hoti aur kisi ka absence hota hai then it exists as a result of interaction between sun and earth ab sun and earth ka jo magnetic uh, qualities hai जो magnetic rays या magnetic field है उन दोनों के interaction की वजह से ये जियोटेल बनती है तो हम देखेंगे कि जियोटिल कैसे बनती है आ, दिस इज अर्थ और ये हमारा सन है तो सन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटीज कंटिन्यूस रहती है और उसके हिसाब से ये क्या करता है सोलर मैग्नेटिक रेज को एमिट करता है जब जब ये सोलर रेज रेज मैग्नेटिक बाहर आते हैं तो वो एक पृथ्वी के आसपास एक हल्का सा एनवेलप जैसा बना देता है ओके यहाँ पे ये पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है और ये एक्सटेंडेड सन का मैग्नेटिक फील्ड है ओके आर यू गेटिंग मी ये सन का एक्सटेंडेड मैग्नेटिक फील्ड है है वो क्या करता है? दोनों के बीच में जैसा कुछ का जो मैग्नेटिक उसको हल्का सा पुश करेगा जो सन के टुअर्ड्स होगा और जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा वो स्ट्रेच होता जाएगा तो जो ये स्ट्रेच होता जा रहा है दिस इज कॉल्ड जियो टेल अब ये जियो टेल में मून को पसार होने में छ दिन लगते हैं ये एरिया से मून को पसार होने में छह दिन लगते हैं तो यहाँ पे जो सन का मैग्नेटिक फील्ड है सन का मैग्नेटिक फोर्स बिकम्स मिनिमम टू ऑब्सर्व एनीथिंग इन टू दिस स्पेस जहां पे आपको सन का इन्फ्लुएंस नहीं है प्रोडक्टिविटी बिकम्स हायर एंड

तो इट इज अबाउट नेविगेशन एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम सो इट इज अ गगन अनेबल्ड मरीनियर इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इन्फॉर्मेशन तो इट इज हिट्स तो ये किसके लिए है तो ये चीज हमें याद रखनी है कि इट इज फॉर डिजास्टर वार्निंग. इट इज फॉर पोटेंशियल फिशिंग सोन आइडेंटिफिकेशन एंड इट इज फॉर ओशन स्टेट फॉरकास्ट टू दिशरमैन एंड लोकल कम्युनिटी विच आर लिविंग अक्रॉस दस्ट और साथ साथ में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इट विल रिसीव डेटा फ्रॉम गगन सैटेलाइट विच इज सैटेलाइट फ्रॉम इंडिया एंड इट्स नॉट ओनली अवेलेबल इन इंग्लिश द इंफॉर्मेशन विच विल बी डिस्प्लेड इट अवेलेबल इन नाइन रीजनल लैंग्वेजेस तो नाइन रीजनल लैंग्वेजेस में होगी सी इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर ऑल द नाइन रीजनल लैंग्वेजेज बट इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर की डेटा विल बी टेलीकास्टेड इन रीजनल लैंग्वेजेस इट माइट बी वन ऑफ द स्टेटमेंट दैट यूपीएससी माइट ट्रिक यू इन तो ये याद रखने की जरूरत है ओके एंड दिस इज द जेमिनी डिवाइस जो कोस्ट के आसपास या तो फिर हमारा जो इंफॉर्मेशन सेंटर होगा वहां पे इंस्टॉल होगा गगन से यहाँ आएगा यहाँ पे डेटा प्रोसेस होगा एंड देन इट विल बी सेंड टू लोकल कम्युनिटी ओके सो दिस इज जेमिनी जेमिनी के बाद हमारा करंट अफेयर सातवा आता है अगेन इट इज अबाउट स्पेस स्पेस एंड अर्थ जो हमारा बाहर का है उसके ऊपर तो नासा ने फियर तो, uh, uh, कहां पर आता है तो सबसे पहले अर्थ के हम लेटमोसफियर के, के तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ट्रोपोस्फियर आता है स्टेटोस्फियर आता है मीजोस्फियर एंड आता है थर्मोस्फियर तो आइनोस्फियर इट्स समेयर बिटवीन मिजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेर बिना ये भी एक बहुत ही एक्सटेंडेड स्फीयर होता है आइनोस्फेयर जहां जहां आयन की पॉसिबिलिटी होती है उन सभी को आइनोस्फेयर कहा जाता है उनको ए बी सी डी के तरह डिवाइड किया जाता है बट विच इज नॉट रिमेम्बर टेक्निकली इट इज वेरी वेरी डीप सो इट विल बी नॉट यूजफुल फॉर टू रिमेंबर फाइन एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज इट इज अबाउट फोर्टी एट किलोमीटर स्ट्रेच ओके okay, तो ये 48 किलोमीटर स्ट्रेच के बारे में हम देख रहे हैं तो वो 48 किलोमीटर को स्टडी करने के लिए आइकॉन मिशन नासा ने लॉन्च किया है सी एंड इट स्टेट्स दैट इट इज ओवरलैपिंग इनटू मिसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर एंड इट इज अ क्रिटिकल लिंक बिटवीन अर्थ एंड सन इंटरेक्शन एज वी सो इन जियोटेल यहां पे भी, भी क्या होता है कि कभी-कभी ये जो सन का मैग्नेटिक फील्ड है सन के मैग्नेटिक रेज है इट आल्सो एस्केप्स

सेक्शन में डिवाइड होता है बट हमारे लिए कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है दिस पार्ट जो थर्मोस्फियर एंड मेजोस्फिर के इंटरेक्शन में आता है और वहीं पे ये चीज आती है दैट इज कॉल्ड अरोरा ओके तो जो भी सन के रेज आएंगे और अर्थ के मैग्नेटिक रेज के साथ वो इंटरेक्ट करेंगे अर्थ के मैग्नेटिक वेव को वो डिस्टर्ब करेंगे और ऐसे अरोरा बनेगा सो so, इसको स्टडी करने के लिए नॉट

तो फेसबुक ऐसा कहता है कि इट इज अ ग्लोबल करेंसी एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट टू इन अ न्यू फाइनांशियल इन्फ्रास्ट्रक्चर चेन इट इज नॉट ट्रेडिशनल बिटकॉइन बट इट इज मोर सिक्योर एंड मोर सेफ देन बिटकॉइन बट ऑब्वियसली अब क्रिप्टो करेंसी है तो फिर बहुत सारी गवर्नमेंट इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाएगी कि हमारी खुद की करेंसी का वो अंडर वैल्यू कर सकती है या तो फिर थ्रेटन कर सकती है

तो सबसे ज्यादा कंसर्न्स क्या थे तो क्रिप्टो करेंसी में हमेशा कंसर्न्स क्या रहते हैं सबसे पहला इट इज एनोनिमस फंडिंग तो एनोनिमस फंडिंग होती है तो कहां से कहां आ रहा है कहां जा रहा है तो ये ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है तो जब जब ये ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है तो हमें कंसर्न क्या रहता है मनी लॉन्ड्रिंग का कंसर्न रहता है टेरर फाइनेंसिंग का कंसर्न रहता है कि उसको हम अच्छे से ट्रैक नहीं कर पाएंगे

डोमेन कैसा होता है जैसे आरबीआई रूपी करती है बट ये एक ऐसी नहीं है जिसे borderless. तो, borderless तो फिर इट विल बी मोर एंड मोर अट्रैक्टिव फॉर टेरर फाइनेंसिंग मोर एंड मोर अट्रैक्टिव फॉर हवाला एंड अदर काइंड ऑफ इलीगल ट्रेडिंग साथ साथ में इट कैन बी यूज इन अ स में क्या दिक्कत आती है कि लोगों के पास नॉलेज नहीं है कि ये लिबरा के ऊपर कितना ट्रस्ट करना सोचो आपने कल आपके एक लाख रुपए लिब्रा में डाल दिए एंड परसो यूनाइटेड नेशन लिबरा के ऊपर बैन लगाते तो फिर आपको कौन पेमेंट करेगा क्या इसकी लीगल वेज है तो यू डू नॉट वी डू नॉट नो मच अबाउट दिस टेक्नोलॉजी स्टिल इट इज इन अ प्राइमरी जोन या तो फिर इमर्जिंग फेस एंड इंटेंस वॉलिटिलिटी इज कनेक्टेड टू लेबरा जैसे कि बिटकॉइन में आपने देखा होगा पहले तीन डॉलर का कुछ रेट था फिर अचानक से बढ़ के बारह सौ डॉलर जितना हो गया फिर अचानक से घटके आठ सौ डॉलर हो रहा है फिर वापस आके हजार डॉलर हो रहा है तो इट हैज कंप्लीटली

तो इट ट्रैक्स आवर मोशन ऑन अ माइक्रोस्कोपिक स्केल पहले क्या होता है कि आप अगर जीपीएस वगैरह आप में है तो अगर रोड जैसे कि ये है आप रोड में यू 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 घूम के जा रहे हैं बट दे रोड पे गए हैं तो उतना बहुत ही स्मॉल जो अमाउंट का वेरिएशन है वो ट्रैक नहीं कर पाता जीपीएस तो जीपीएस को हेल्प करने के लिए व्हाट दे हैव डन दे मिनिएचर रडार फॉर रियल टाइम मोशन ट्रैकिंग फॉर ह्यूमन हैंड

अलग-अलग करने वाले एडवेंचर पीपल जैसे कि अब माउंट एवरेस्ट पे आप जा रहे हो तो यहाँ से आपको पता चलेगा एग्जैक्टली माउंट एवरेस्ट का ट्रैक करने का क्या एक रूट रहा है तो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज इन द फ्यूचर दैट इज बाय चीप बॉज इन अगर ये सोली चिप के बारे में इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे ऐसा पूछ सकते हैं कि रिसेंटली सोली चिप वॉज इन न्यूज कंसिडर दबाउटिपुक लॉन्च गूगल सो ऐसा करके आप ध्यान रखना यूपीएससी इजिली ट्रिक कर सकती है उसके बाद का हमारा करंट अफेयर है डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल अब राइट नाउ डीएनए सिक्वेंसिंग एंड जीनोम नॉम सिक्वेंसिंग एवरीथिंग इज गोइंग ऑन तो दैट इज वाई वी नीड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू इट अब रेगुलेशन होगा तो ऐसा नहीं है कि हम बस उसको बैन कर देंगे कंट्रोल कर देंगे नहीं इट इज अबाउट जस्ट रेगुलेशन तो गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस भी दिए हैं और अभी ये जो बिल है वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के अंदर स्क्रूटिनाइज हो रहा है बट इसके बिल के बारे में हम थोड़ा हाईलाइट ले लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इट इज टॉकिंग अबाउट डीएनए डेटा बैंक्स अब डीएनए डेटा बैंक्स कहाँ कहाँ होंगी एक रीजन में होंगी और एक नेशनल होगी स्टेट्स में भी अलग होगी और नेशन में भी अलग होगी और बट अलग होने के साथ दोनों के अंदर सिंक्रोनाइजेशन होगा जब जब सिंक्रोनाइजेशन होगा देन यू कैन आइडेंटिफाई विक्टम्स सस्पेक्ट अंडर ट्रायल पीपल या तो फिर मिसिंग पर्सन

फॉर दैट पनिशमेंट है क्रॉस मैचिंग भी पॉसिबल करेगा कि यहाँ पे सैंपल ए लिया गया है कोई एक क्राइम सीन से या तो फिर डेड बॉडी से और हमारा ये रेपोजिटरी है वहां पे सारे पर्सन वन टू थ्री फोर सभी का डेटा है तो वो क्या करेगा इसको क्रॉस मैचिंग करेगा एंड इट विल ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन सा बेस्ट पॉसिबल मैच है बेस्ट पॉसिबल मैच के साथ साथ ये इतनी एक्यूरेट है कि हमें uh, इसकी एरर लाइक ऑफ थाउजेंड या तो वन आउट ऑफ लाख लाख जितनी इसकी एर की पॉसिबिलिटीट सो so, इसका सिग्निफिकेंस इंडिया में क्या क्या रहेगा एक तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ दर्सन इट विल बी रियली फास्ट और एक बार इसका डेटा में एंट्री हो जाएगी उसके बाद अगर वो पर्सन ने कोई भी क्राइम किया तो वी कैन लिंकअप टू दिस रिपोजिट्री बायोलॉजिकल रिलेशनशिप के बारे में जब जो क्वेश्चन तो करना पड़ता है ब्लड सैंपल्स लेके फिर उसके डीएनए बराबर देखना पड़ता है तो ये क्या करेगा इट विल मेक इजी इट विल मेक थिंग्स इजियर और इसके बाद हेयर सैंपल्स ब्लड स्ट्रेन्स अगर कहीं क्लोथ से मिल गया क्राइम सीन से मिल गया तो उसको भी एनालाइज करने में ये हमारी हेल्प करेगी दैट इज वाई इट विल हेल्प अस विल्पअ स्पीडी डिलीवरी ऑफ जस्टिस एंड इनक्रीज द्शन रेट जो हमारे हैंगिंग केसेस ऑफ द केसेस है इसमें यह बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा नाउर कम्सर्न क्या क्या है तो तो लोगो ने डीएनए के सैंपल के साथ टेम्परिंग कर दिया अगर एग्जाम्पल एक्स का हेयर सैंपल है और किसी ने मिसशिप करके मेरा हेयर सैंपल अंदर ऐड कर दिया तो फिर मेरे तो करियर खत्म हो जाएगी तो इट कैन हैपन इट इट वुड बी मिस यूज इफ नॉट टेकन केयर केयरफुली उसके बाद बाद सेफ्टी इश्यू कि जैसे कि लीक हो जाएगा तो फिर उसके डीएनए में क्या क्या तकलीफ है किसी को क्या होता है कि डीएनए में तकलीफ होती है डीएनए डिसीज ऑफ स्प्रिंग में हो सकते हैं रेयर डिसीज हो सकते हैं तो उसकी डेटा भी यहाँ से इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो फिर इससे हम पर्सन की जो सेफ्टी है उस पर बहुत ही ज्यादा खतरा आ जाता है

30 मीटर ओके सो दिस इज न्यूज़ अबाउट 30 मीटर टेलीस्कोप विच यू शुड उसके बाद इट इज़ क्वांटम क्वांटम क्वान्टीमसी क्या है तो क्वांटम सुप्रीमसी इज रिलेटेड टू क्वांटम कंप्यूटर एंड इट्स परफॉर्मेंस तो यस गूगल रिसर्चर्स क्लेम देयर क्वांटम सिस्टम देयर क्वांटम कंप्यूटर्स हैज डन

ओके okay, तो क्लासिक कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर के बीच का डिफरेंस उसके बारे में थोड़ा देखते थे तो क्लासिक कंप्यूटर बाइनरी फिर क्या होता है कि पहले इसको रीड किया जाता है फिर इसको रीड किया जाता है फिर इसको फिर इसको रीड किया जाता है एंड दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम वन अनदर अदर बट इन कंप्यूटर ये जो वन जीरो है ये एक कोई इंडिपेंडेंट डेटा नहीं है बट वो क्या कहा उसको कहा जाता है वन क्यूबिट ओके क्वांटम बिट को उन्होंने नाम दे दिया क्यूबिट इन अ शॉर्ट फॉर्म तो ये क्यूबिट क्या करता है इट वर्क्स टुगेदर अब एक साथ इन सभी को रीड करेगा देन इट्स टाइम ऑफ प्रोसेस विल बी वेरी लेस क्योंकि उसको एक के बाद एक नहीं रीड करना पड़ रहा है सब एक साथ ही रीड करना पड़ता है दैट इज व्हाई क्वांटम सुप्रीमेसी हैज बीन अचीव्ड बाय गूगल तो अगर के कोई ऐसा पूछ ले कि रिसेंटली क्वांटम इन इन तो ये किसके ऊपर है कंप्यूटर सुप्रीमेसी तो तो कि के ऊपर है? है अभी तक कैसा है रिलीजियस सुप्रीमेसी आ रही है हमारी पॉलिटिकल सुप्रीमेसी आ रही है आइडियोलॉजी की सुप्रीमेसी आ रही है एंड दिस इज नाउ एज ऑफ कंप्यूटर So, very, very uh, so, रिलीज की है कि हमें इसको कैसे ट्रीट करना चाहिए हमें इसको कैसे रेगुलेट करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर कितना हेल्प करेगा गवर्नमेंट सेक्टर कितना हेल्प करेगा तो हम नैनो फार्मास्यूटिकल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं तो इट इज टारगेटेड ड्रग डिलीवरी क्या होता है कि हम नॉर्मल मेडिसिन हम ओरली लेते हैं फिर हमारी ब्लड स्ट्रीम में वो मिक्सअप होता है एंड देन वो जाके डिसीज़ को क्योर करने में हेल्प करता है तो जैसे लेवल वन लेवल टू और लेवल थ्री से वो पास होता है बट इन दैट क्या होगा कि लेवल वन विल बी लेवल थ्री डायरेक्टली यहाँ पे आपको अगर आपके पैर पे कुछ लगा है तो इट विल डायरेक्टली अटैक्ट योर लेग पूरी ब्लड स्ट्रीम को अफेक्ट नहीं करेगा पूरी बॉडी को अफेक्ट नहीं करेगा दिस इज कॉल्ड टारगेटेड डिलीवरी दैट इज वाई इट विल हायर एफिशियंसी एंड लोअर टॉक्सिटी सम ऑफ द मेडिसिन माइट गिव सन काइंड ऑफ रिएक्शन टू अदर बॉडी सो इट विल

लार्जेस्ट पॉपुलेशन अभी हम 2040 तक तो फर्स्ट पॉपुलेशन बन जाएगी तो इन सभी पॉपुलेशन को हम डिलीवरी कैसे करेंगे ड्रग की इन सभी के हेल्थ को इंश्योर कैसे करेंगे तो अफोर्डेबल हाउसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं अफोर्डेबल वेजेस के बारे में बात कर रहे हैं तो अफोर्डेबल हेल्थ के बारे में भी हमें बात करने की जरूरत है देट इज वाई इट इज अब अफोर्डेबल हेल्थ केयर फॉर ऑल एंड गवर्नमेंट का ये स्टेप वेरी वेलकम है और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इंटरक्ट होगा क्यों प्राइवेट सेक्टर इन, आ, क्योंकि यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत ही ज्यादा स्कोप है गवर्नमेंट नेंट्रोल नहीं इस पर लगाया हुआ है तो प्राइवेट सेक्टर आएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा नई नई नैनो फार्मास्यूटिकल्सो नैनो ड्रग्स को ढूंढेगा एंड इट विल हेल्प ह्यूमन काइंड एज ए लार्ज यूनिट फिफ्टी एथ सॉरी तो फोर्टींथ में हमें हमारे पास डेटा है इंडी जेन के बारे में लास्ट हमने बोला डीएनए रेगुलेशन अब ये किसके बारे में बात करता है जीन्स के बारे में ओके okay. तो न्यूज़ ऐसा कहता है कि सीएसआईआर सीएसआईआर ने अभी इंडीजेन करके एक प्रोजेक्ट है उसको कंडक्ट किया है या तो फिर कंडक्ट करने के लिए बात की है तो व्हाट इज इंडी तो इंडीजेन स्टैंड फॉर जीनोमिक्स

हर एक का जीन अलग अलग होता है तो ये जीन को क्या इसमें डिस्फॉर्मिटी है उसमें क्या डिफेक्ट है उससे क्या क्या फर्दर आ, फ्यूचर में 10 साल 15 साल 20 साल में कोई डिसीज हो सकता है नहीं हो सकता उसके बारे में ये हमें बहुत ही अच्छा फ्रेश परस्पेक्टिव देगा क्योंकि नियरली टेन थाउजेंड डिसीजेज आर कॉल्ड रेयर जेनेटिक द नेम आर लाइक फिप्रोसिस एंड इन न्यूज ये भी एक डीएनए डिसऑर्डर है तो ये कब होता है कि जब जब कोई भी एक सिंगल जीन भी माल फंक्शन करना स्टार्ट हो गया तो इट विल सडनली अच्छी स्टडी मिल जाएगी तो we would get to know about the की, इसको हम कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं अब इंडी जीन विल बी लिंक डी एन ए टेक्नोलॉजी देन इट विल बी लिंक नैनो फार्मास्यूटिकल्स तो इन सभी को हम इंटरनली इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी हेल्थ सिस्टम